कोरोना महामारी की दूसरी लहर से काफी हद तक उबर चुकी हरियाणा सरकार ने जन कल्याण की बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर बरसों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति के रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्ट्रेट रेट में 20-50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार में गुरुग्राम भाजपा की जिला अध्यक्ष ने 3 साल पहले मुहिम की शुरुआत की थी। 2017 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गार्गी कक्कड़ की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। गुरुग्राम जिले में शहरी निकाय की सैकड़ों दुकानें हैं जिन्हें तह बाजारी पर लेकर लोगों ने दुकान खोल रखी हैं। अब दुकानदारों ने घोषणा करने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ का तहे दिल से धन्यवाद किया। इसी पर देखिए आकाश खुराना की ये रिपोर्ट। पिछले 3 वर्षों से इस समय भाजपा की मौजूदा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जो है निकाय की दुकानों के लिए मालिकाना हक के लिए उनके जो है लड़ाई लड़ रही थी और अब जो है सीएम ने उसकी जो है घोषणा कर दी है। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद भाजपा गुड़गांव जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़। उन्हीं से जानते हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे थे दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने का, अब जो है घोषणा हो गई है, किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने दुकानदारों के मानसिक परेशानी को समझा, क्योंकि एक अच्छा व्यापार चलाते हुए कहीं ना कहीं हेल्दी व्यापार के साथ साथ आदमी के कहीं जहन में एक डर बैठा रहता था कि आज ये व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, कल आने वाली पीढ़ी को मैं क्या ये दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि स्थान बदलते ही व्यापार की सारी स्थिति बदल जाती है। कब प्रशासन उनसे ये स्थान छीन ले, कब सरकार उनसे ये छीन ले, लगातार दुकानदार इसमें त्रस्त था मन से और कई सालों से इसमें प्रयासरत था। तो कुछ दुकानदार आकर मुझे मिले, मैंने मुख्यमंत्री जी से उन्हें मिलवाया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा बड़े सहज भाव से, मुझे आज भी वो दिन याद है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट याद आती है, कि मात्र गुरुग्राम में ही क्या ये काम होना है, दुकानदार तो पूरे हरियाणा में है, तो ठीक है प्रयास करते हैं तो हम सारी जगह का ये प्रयास करेंगे। सहज मन से उनकी ये कही बात और वर्षों का संघर्ष दुकानदारों का मात्र 3 साल में पूरा हो गया, क्योंकि 3 साल में मात्र इसलिए कह रही हूँ कि हर्डल्स बहुत थे, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी जो कागज़ों में भेर भेर था, उन सारे हर्डल्स से निकालने के लिए 3 साल का समय कोई ज़्यादा नहीं। और 3 साल के बाद एक और तोहफा दिया उन्होंने कि जो 50 साल वर्ष पुरानी दुकानें हैं कलेक्टर रेट में उसको 50% का रिबेट मिलेगा, जो 40 साल हैं उनको भी 40% रिबेट मिलेगा, 30 साल उनको 30% रिबेट मिलेगा और जो 20 साल की हैं उनको भी 20% रिबेट मिलेगा। ये रिबेट बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा इस समय में, शायद वैसे ना होता जैसे कोरोना त्रस्त समय चल रहा है, व्यापार मंदे में है, इस समय एक तो अपना मलिकाना हक मिल जाना, एक अगली पीढ़ी के लिए स्थान मिल जाना, परिवार सुरक्षित हो जाना और ऊपर से एक इतना हेल्दी रिबेट मिल जाना, इससे बेहतरीन तोहफा सरकार अपने व्यापारियों को नहीं दे सकती थी, जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा दुकानदारों को व्यापारियों को दिया है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनकी व्यापारियों की तरफ से भी, गुरुग्राम के व्यापारियों की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बात को माना और व्यापारियों को एक राहत की सांस दी। मैम, रिबेट में भी जो है उन्हें अपना 40% 50% दिया जाएगा, लेकिन साथ के साथ कितनी दुकानें जो हैं ये लगभग गुरुग्राम में जिनके लिए आपने आवाज़ उठाई, लगभग कितनी दुकानें? मेरे हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में 900 कुछ दुकानें होनी चाहिए और हरियाणा में तो ये इसकी तादाद कितनी होगी आप ये सोचिए। हम गुरुग्राम की बात ही क्यों करते हैं, लड़ाई गुरुग्राम की भूमि से शुरू हुई पर आज पूरे हरियाणा की बात करेंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि पूरे हरियाणा के व्यापारियों को मिलकर एक भव्य स्वागत करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का एक स्थान पर, क्योंकि ये एक व्यापारी की बात नहीं है, व्यापारी के परिवार की भी बात है, कितने परिवार सुरक्षित हुए। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि व्यापार संघ को खड़े होकर ये एक
भव्य स्वागत सम्मान करना चाहिए। अभी तो ठीक है कोरोना है, पर इसके बाद इनको प्लान करना चाहिए किस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। दुकानदार जिनको आपने मालिकाना हक की जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब वो दुकानदार आपसे मिले हैं, तो क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा? उनके पास कहने को तो यही है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद ये जो फैसला हुआ है, और वो बार बार मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, मुख्यमंत्री जी से हम कब मिल पाएंगे, मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका एक ही विषय है और वो शायद पलके बिछाए हुए हैं कि कब हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे और हम उनका धन्यवाद करें। और वो उनका ये भी कहना है कि धन्यवाद के लिए शब्द या वो सब नहीं है, जो उन्होंने काम किया है उस काम के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जिनका कहना है कि जिनको मालिकाना हक दुकानदारों को दिलवाया है, वो इनसे मिले और इनको कहा कि कब मुख्यमंत्री जो है गुरुग्राम आएंगे, ताकि वो उनका तहे दिल से धन्यवाद कर सकें। काफ़ी लंबे का जो संघर्ष है वो 3 साल में जो है इस सरकार ने जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ के द्वारा जो है पूरा हो गया। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।